सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला स्किन शाइन फेयरनेस सोप के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। ये किसके लिए काम करता है, मतलब एक्ने और पिंपल को तो हटाता है, साथ में क्या रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्किन शाइन फेयरनेस, एक प्रकार का सोप है जो कैडिला फार्मास्यूटिकल यानी कि ब्रांडेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। काफ़ी विश्वसनीय ये कंपनी है, इसका नाम प्रचलित है बाजार में और काफ़ी अच्छी इसकी प्रोडक्टें चलती है। अब दोस्तों बात करते हैं ये किन परिस्थितियों में काम करते हैं, यानी कि क्यों इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अक्सर देखा है कि आजकल के जो पॉल्यूशन वाले जो वातावरण है, बाजार के अंदर हम निकलते हैं दिन को तो रात को आते हैं तो पूरा हमारा चेहरा एक प्रकार का काला सा हो जाता है, वो डस्ट हो या फिर किसी भी प्रकार का धुआं के कारण। इसके अलावा ज़्यादातर जो पिंपल की समस्या होती है, जिनके कारण पिंपल बढ़ते हैं आगे, तो उसका एक प्रकार के जो काले धब्बे हो जाते हैं पिंपल के कारण, एक्ने पिंपल के कारण जो हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स, तो ऐसी समस्या आजकल आम बन गई है, रोजिंदा लाइफ में हमने देखा है दोस्तों। तो इसको दूर करने के लिए ये स्किन शाइन सोप बनाया गया है, जो एक प्रकार का आपको एक्ने पिंपल तो दूर करेगा, साथ में जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स उसको भी दूर करेगा धीरे धीरे करके, और एक प्रकार का आपके अंदर जो स्किन के अंदर चेहरे पर एक प्रकार का फेयरनेस जैसा ग्लो दिखाई देगा, जो मतलब आपका जो चेहरा गोरा बन सकता है इसके कारण अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये स्किन किसी के लिए खास करके बनाया गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ आयुर्वेदिक के कुछ एलोपैथी के, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाम से, ट्राइक्लोसन्स, एलेंटोइन, टोकोफेनल, साथ में विटामिन ई है और टी ट्री ऑयल है, ऑरेंज पिल एक्सट्रैक्ट एंड लेमन फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो देख सकते हो दोस्तों, टी ट्री ऑयल और साथ में सोडियम पाल्मेट और ट्राइक्लोसन एक प्रकार एंटी बैक्टीरियल या फिर इसको जो किसी भी प्रकार का जम्स होता है या फिर जो बैक्टीरिया होता है जो धूप के कारण या फिर किसी भी इन्फेक्शन में होता है, यानी कि जो पिंपल्स ज़्यादातर देखा गया तो एक प्रकार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। साथ में जो ऑयल एक्सट्रैक्ट यानी कि ऑयल जो ज़्यादा होता है स्किन के अंदर, उसको भी दूर करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं लेमन और ऑरेंज पिल दिया गया, जिनके कारण जो ऑयल जो ज़्यादा स्किन के होता है, जिनके कारण जो पिंपल्स होते हैं तो उसको ये ऑयल को कंट्रोल भी करता है दोनों। साथ में टी ट्री ऑयल एक प्रकार का एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट इसका देते हैं, और साथ में कुछ ऐसे भी इसके अंदर जो इन्ग्रीडियंट्स डाले गए हैं जो आपका चेहरे को मुलायम बनाता है, यानी कि एक प्रकार का फेयरनेस भी इसके इफेक्ट आती है, यानी कि गोरा बनाता है काफ़ी अच्छी तरह से। इसको आपको रिजल्ट लेने के लिए दोस्तों आपको एक सप्ताह से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तभी आपको धीरे धीरे करके रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ऑफकोर्स आपका जो काला चेहरा है किसी भी कारण हो, चाहे पिंपल एक्ने पिंपल के कारण काले धब्बे हो या फिर ब्लैक हेड्स हो, धीरे धीरे करके दूर जाते हो और आपका चेहरा एकदम से वाइट हो सकता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है दोस्तों। इसको अब बात करते हैं किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आपको सुबह शाम दो टाइम इसको आराम से मतलब एकदम पानी से मुंह धो सकते हैं, जिस प्रकार से हम रेगुलर सोप यूज़ करते हैं इसको इसी प्रकार से इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कोई साइड इफेक्ट्स हो सकती है। दोस्तों पहले से मैं बता दूं आपको कि अगर आपको किसी भी प्रकार की स्किन की एलर्जी है या फिर डॉक्टर ने आपको मना किया है कोई भी ऐसी दवाई इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि सेंसिटिव स्किन है अगर आपकी, तो ऑफकोर्स आप डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही यूज़ करें। और मैं अक्सर बताता हूँ मेरे वीडियो में कि कोई भी दवाई लें अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, या फिर अगर आप सेंसिटिव है तो अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही लेना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्ट आप इसे स्किन शाइन सोप को बाज़ार से आप ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर पर से आराम से मिल जाएगा, हर कोई मेडिकल स्टोर पर आपको अवेलेबल है। ये इसकी MRP 75 rupees दी गई है, लेकिन आपको कुछ कम कीमत में भी मिल सकता है दोस्तों। इसका वेट भी 75 ग्राम में आता है और ये 75 MRP है, तो आपको 60-70 के आसपास आपको आराम से मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पर देख आप देख सकते हैं कि ये एक प्रकार एस्ट्रिजेंट एंड डीप क्लीनिंग प्रॉपर्टीज, विच इज ड्राइड क्लियर एंड प्रिवेंट एक्ने ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स लिविंग यू विथ ए मोर क्लीन एंड फेयरनेस क्रीम, यानी कि एक प्रकार का डीप क्लीनिंग करता है, एक अंदर से जो स्किन के अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी उसको दूर करता है, जिनके कारण आपको एक्ने पिंपल की समस्या न हो, इस प्रकार से क्लियर करता है। रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आपको एक प्रकार की एक्ने पिंपल की समस्या भी नहीं होगी। इसके साथ में स्किन शाइन करके जो एंटीमेट आती है, एक प्रकार की जेल आती है इसकी इसी कंपनी की, वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ज़्यादा पिंपल की समस्या या फिर एक प्रकार के पिंपल के कारण अगर ज़्यादा ब्लैक जो डॉट्स बन गए हैं तो स्किन शाइन ऑइंटमेंट वहाँ पर लगाते हैं तो वो भी धीरे धीरे करके निकल जाता है। और दोस्तों देखते हैं इसको खोल कर कैसा आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्रकार का पिंक कलर में दिया गया, काफ़ी अच्छी खुशबू इसकी आती है, आपको पसंद आएगी। कोई ऐसा नहीं है कि कैलीला कंपनी का इसके अंदर मार्क है, काफ़ी अच्छा ये
आप कंफर्टेबल राइज में एक प्रकार की जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं एक्ने पिंपल की, इसी शॉप से आप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको स्किन शाइन फेयरनेस शॉप के बारे में जानकारी दी है। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके, और हमारे चैनल के साथ बने रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।